आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो अध्याय के रूप में भारत और अफगानिस्तान रिलेशन या आज की दौर में, आज के समय में, आज के दिन या पिछले हम 15 दिनों की अगर हम कल्पना करें तो सबसे ज़्यादा जो चर्चित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश रहा है तो उसका नाम अफगानिस्तान है कि अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान जो IR का जितना ही बच्चा ऑनलाइन में इस वीडियो को देखेगा तो कम से कम IR का उसका एक चैप्टर तो क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी देखेगा या कहीं से भी सुनेगा तो उसका एक चैप्टर प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। और सिविल्स के अंदर IR का जो विषय है उसके अंदर GS के सेकंड पेपर में, दूसरे पेपर में ये अध्याय है। और अगर किसी बच्चे का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो उसका भी सेकंड पेपर के अंदर, सेकंड भाग के अंदर लास्ट हेडिंग के रूप में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में होने वाले परिवर्तित घटनाक्रम और समस्या और करंट की चीजें पूछी गई हैं। ऑप्शनल में भी एक चैप्टर ये क्लियर करता है। GS के सेकंड पेपर में भी ये चैप्टर क्लियर करता है। और किसी भी एग्जाम में, आज की डेट में किसी भी स्टेट के एग्जाम में ये एक ऐसा चैप्टर के रूप में ऐसा बिंदु बन चुका है जो किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना प्रबल है कि पूछा जा सकता है। भारत और अफगानिस्तान संबंध कि भारत और अफगानिस्तान संबंध बच्चे, भारत और अफगानिस्तान संबंध की अगर हम बात करते हैं कि भारत और अफगानिस्तान संबंधों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न भारत और अफगानिस्तान के अंदर ये बनता है कि अफगानिस्तान की स्थिति कैसी है, अफगानिस्तान कहाँ अवस्थित है, अफगानिस्तान की कंडीशन, अफगानिस्तान की जो स्थिति है बच्चे कि अफगानिस्तान की स्थिति, सामाजिक स्थिति अफगानिस्तान की कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर कैसा है। कहने का मतलब क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम आज की क्लास के अनुसार सबसे पहला, अगर हम आज की न्यूज के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं कि आज काबुल में या फिर हम कहें पूरे के पूरे अफगानिस्तान के अंदर मात्र लगभग 80,000 तालिबानियों के द्वारा अफगान सरकार के 3,00,000 सेनाओं पर भारी पड़ रहा है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर से जो अमेरिका की सेनाएं गई वापसी और जो बची हुई हैं अभी वो जाने के बारे में जो कह रही हैं, अफगानिस्तान की सरकार से बिना बात किए हुए चली गई। तीसरी चीज, तालिबान का आना और इतना आक्रामक होना। चौथी चीज, अफगानिस्तान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी एक प्रश्न उठा देता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर कर क्या रहा है, अफगानिस्तान की स्थिति जो बन रही है। ध्यान रखिए, अफगानिस्तान की जो आज स्थिति है ठीक ऐसी स्थिति कभी 9/11 का जो केस था, अमेरिका वाला WTC पर जो आक्रमण हुआ, आदमी अपनी जान की सुरक्षा के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा देता, चाहे वो मर गया लेकिन स्थिति आई। आज जैसे अफगानिस्तान के अंदर जो परिस्थिति बन रही है, अमेरिका के एयरलाइंस पे आप लोगों ने देखा होगा कि आदमी अपनी जान की सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके से प्लेन में चढ़ना चाहता है और जब प्लेन अपना चलना शुरू करता है रनवे पर तो वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। याद करिए, ऐसी ही ठीक ऐसी परिस्थिति जो देखने को मिली थी, वो कहने का मतलब है क्या 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस समय इतना आक्रामक परिस्थितियां देखने को मिली थी जो आज वर्तमान में अफगानिस्तान में देखने को मिलती है कि आज वर्तमान में अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। आज का वीडियो, आज की क्लास, ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान की सामाजिक स्थिति, अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति, अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति और उसके बाद से उसकी संस्कृति क्या है, उसका कल्चर क्या है। इसके साथ साथ इसके बाद जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि भारत और अफगान के जो संबंध हैं वो कैसे थे या कैसे बिगड़े, या भारत और अफगानिस्तान के मध्य में विवाद का कारण क्या है। दूसरा हेडिंग ये बनेगा।
तीसरा हेडिंग जो बेटा जी बनेगा कि तीसरा हेडिंग जो बनेगा वो ये बनेगा कि सोवियत संघ की जो सेनाएं थी वो 1990 में जब चली जाती हैं, तो सोवियत संघ की सेना जब अफगानिस्तान से चली जाती हैं तब होता क्या है। तब बच्चे होता क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर, हाँ अफगानिस्तान के अंदर सत्ता के लिए संघर्ष, और उसी सत्ता के लिए संघर्ष और पहली बार जो तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में आई वर्ष 1996 से लेकर के 2001 तक, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का नियंत्रण, अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों का शासन, और किस प्रकार से तालिबानियों का शासन रहा, और वर्ष 2001 में फिर से WTC अमेरिका के ऊपर आक्रमण, और अमेरिका के ऊपर आक्रमण के पश्चात तालिबानियों का सफाया। उसके बाद वर्तमान संदर्भ हम देखेंगे कि आज के समय में जो घटनाएं हो रही हैं, अशरफ गनी का देश से बाहर चले जाना देश को एक खतरनाक स्थिति में छोड़ के चले जाना, और इसी के साथ साथ एक प्रश्न और बनता है कि भारत के द्वारा, वर्तमान संदर्भ तो हम चलेंगे लेकिन इसके साथ साथ एक घटना जो बनती है अफगानिस्तान भारत की भूमिका, पिछले कार्यकाल में अगर हम मोदी सरकार के कार्यकाल की बात करें, चाहे वो 14 से 19 रहा हो या 19 से लेकर के अब तक की घटनाएं, अफगानिस्तान में भारत की भूमिका किस प्रकार रही, चाहे वो सलमा बांध की रही हो, चाहे संसद के निर्माण की रही हो, चाहे मैत्रीपूर्ण संबंधों की रही हो, चाहे अफगानिस्तान के लोगों को प्रशिक्षण देने का रहा हो, चाहे आधारभूत संरचना का निर्माण करवाने का रहा हो, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। कहने का मतलब क्या है, अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो मित्रता है, अफगानिस्तान में भारत की जो भूमिका है, अफगानिस्तान में भारत की जो स्थिति है, अफगानिस्तान के लोगों के मन में भारत के प्रति जो छवि है, एक ये भी प्रश्न बनता है। इसके साथ साथ जरा ध्यान रखिए, एक प्रश्न या एक परिस्थिति जो आती है वो एक बच्चा परिस्थिति कौन सी आती है, वर्ष 1999 की, वर्ष 1999 की इंडियन एयरलाइंस को काठमांडू से उड़ा ले गया तालिबान अफगानिस्तान के अंदर, जो भारत की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं, भारत की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि तालिबान का आना केवल अफगानिस्तान की जनता के लिए ही नहीं, कि अफगानिस्तान की जनता के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या है। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? हाँ, कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए एक समस्या, कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या, भारत के लिए भी, भारत के लिए भी एक समस्या है। भारत की चुनौती 1999 में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इंडियन एयरलाइंस को अफगानिस्तान में ले जाया गया। इसके साथ साथ एक घटना और, जो बाइडेन के माध्यम से, जो बाइडेन ने, या फिर अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप और तालिबानियों के मध्य वार्ता हुई, दोहा में वार्ता हुई। ध्यान रखिएगा, जितना नया बच्चा है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, स्टार्टिंग से केवल अभी ये केवल पूरा सार बताया जा रहा है, स्टार्टिंग से पूरा अभी मैं फिर से बताता हूं कि अमेरिका के द्वारा तालिबानियों के साथ हाथ मिलाना, अफगानिस्तान की सरकार को नहीं पता है लेकिन दोहा के अंदर अमेरिका और तालिबान के बीच कॉन्ट्रैक्ट समझौता संधि किया गया, अमेरिका ने तालिबानियों के साथ संधि करी और अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान से बाहर निकाल ली। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपस में उलझे हुए हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले बेटा जी इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान की स्थिति से। रही बात भारत की स्थिति, तो इंडो अफगानिस्तान रिलेशन में भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, सबसे पहले हम अफगानिस्तान के बारे में शुरुआत करते हैं। अगर आप बोर्ड पर जरा सा ध्यान से देखेंगे तो लल्ला होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं वर्ष 1947 की, कि वर्ष 1947 की अगर हम बात करते हैं जब भारत का विभाजन हुआ, वर्ष 1947 की जब हम बात करते हैं भारत का विभाजन हुआ, अब जरा ध्यान रखिए 1947 में भारत का बेटा जी विभाजन हुआ, कि भारत का विभाजन हुआ, अब इसी के साथ साथ जरा ध्यान दीजिए 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन के साथ ही जो एक नया मुल्क बना दक्षिण एशिया के अंदर, उसका नाम था पाकिस्तान। देश एक, भूभाग दो थे, पाकिस्तान।
जो आप ये भाग देख पा रहे हैं ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो वर्तमान का आप बांग्लादेश देख रहे हैं 1971 से पहले जो ये वाला जो भाग है बेटा जी बांग्लादेश का, ये जाना जाता था पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। ध्यान रखिए वर्ष 1947 में बच्चा जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान नामक एक देश बना भारत के विभाजन से ही। बस फर्क इतना था, देश नाम एक था पाकिस्तान, उसके भूभाग थे दो, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब क्या था, जो आज का पाकिस्तान, वो पूर्वी पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है 1971 से पहले वो क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान। ध्यान दीजिए कहने का मतलब क्या था कि जब 1947 से पहले, जरा आप कल्पना करिए 1947 से पहले जब पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था तो कहने मतलब क्या था, ये बाउंड्री ये भूभाग किसमें आता था, भारत में आता था, कि भारत में आता था। और भारत की बाउंड्री किससे लगती थी बेटा जी, अफगानिस्तान से लगती थी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो विभाजन रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा थी उसका नाम था बेटा जी डुरंड रेखा। क्या नाम था लल्ला, डुरंड रेखा। ध्यान दीजिए कहने का मतलब क्या था, वर्ष 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली जो अंतरराष्ट्रीय रेखा थी उसका नाम था डुरंड रेखा, कि डुरंड रेखा। अब डुरंड रेखा लल्ला क्या थी, अफगानिस्तान और भारत के मध्य में थी, बीच में बन गया 1947 में पाकिस्तान। तो जो ये डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के मध्य में थी, वही डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में बन गई, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में बन गई। अब बच्चा जरा ध्यान दीजिए, अब जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया, कि जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो अफगानिस्तान ने बेटा जी पाकिस्तान की सरकार से क्या कहा, कि भाई साहब जो ये डुरंड रेखा है ना, ये डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और भारत के मध्य में थी, पाकिस्तान के मध्य में नहीं थी, कि पाकिस्तान के मध्य में नहीं थी। इसलिए अफगानिस्तान क्या चाहता था, इसलिए अफगानिस्तान क्या चाहता था बेटा जी, कि जो ये डुरंड रेखा है ये इस डुरंड रेखा को फिर से परिवर्तित किया जाए, फिर से परिवर्तन किया जाए डुरंड रेखा का। कहने का मतलब क्या था लल्ला, जरा ध्यान दीजिए, डुरंड रेखा 1947 से पहले बच्चा क्या था, भारत और अफगानिस्तान के मध्य में थी, लेकिन जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो डुरंड रेखा जो थी बेटा जी वो किसके किसके मध्य में बन गई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बन गई। अब अफगानिस्तान ने कहा भाई ये जो डुरंड रेखा है ना इसको बदलने की आवश्यकता है। पाकिस्तान ने कहा ऐसा नहीं होगा भाई, हम नहीं बदलेंगे। अफगानिस्तान परेशान हो गया, अफगानिस्तान ने कहा नहीं बदलना चाहिए। तो कहने मतलब क्या था, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बेटा जी फिर यूएनओ में गया था मान्यता लेने के लिए देश की। एकमात्र देश ऐसा अफगानिस्तान था जिसने पाकिस्तान को मान्यता ही नहीं दी देश की, क्योंकि इसके रिलेशन खराब होने लग गए थे अंतरराष्ट्रीय रेखा को लेकर के। अब बच्चा जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, ये अफगानिस्तान, अब लल्ला अगर इस अफगानिस्तान की बात करते हैं कि अफगानिस्तान का समाज कैसा है, राजनीति कैसी है, कैसा है अफगानिस्तान, तो जरा ध्यान दीजिए अगर अफगानिस्तान की हम बात करते हैं लल्ला, कि अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, कि अफगानिस्तान की लल्ला अगर हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं, बोर्ड पर देखिए थोड़ा सा अफगानिस्तान, ये देखिए यहां पर अफगानिस्तान, ये आपको मेंशन हो रहा होगा अफगानिस्तान, कि ये आपको मेंशन हो रहा होगा अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान मेंशन है। और जरा ध्यान दीजिए अफगानिस्तान ये दिख रहा है यहाँ पर सभी को अफगानिस्तान। अब जरा ध्यान दीजिए अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो बेटा जो ये अफगानिस्तान है ये एक भूमि आबद्ध देश है। जरा ध्यान दीजिए अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ये एक भूमि आबद्ध देश है। भूमि आबद्ध देश का मतलब क्या है, अफगानिस्तान की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती, समुद्र से नहीं लगती। किसकी कोई भी सीमा,
अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की अगर हम स्थिति का अवलोकन करें तो अफगानिस्तान की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, अर्थात अफगानिस्तान एक भूमि आबद्ध देश है। नंबर दूसरी बात अगर हम करते हैं कि जो अफगानिस्तान है, बेटा जी जरा ध्यान रखिए, अफगानिस्तान बच्चा जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी अवस्थिति ध्यान रखिएगा दक्षिण एशिया में भी है, दक्षिण एशिया में है, मध्य एशिया में है और इसके साथ साथ पश्चिम एशिया में भी आता है। अगर आप अफगानिस्तान की स्थिति की बात करते हैं, जो अफगानिस्तान है दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के अंदर आने वाला देश का नाम है कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक भूमि आबद्ध देश है जो चारों तरफ से कोई ना कोई कंट्री, कोई ना कोई देश है। भूमि आबद्ध का अभिप्राय है क्या? भूमि आबद्ध का अभिप्राय यही है कि अफगानिस्तान की कोई भी टेरिटरी समुद्र से नहीं लगती है। अगर अफगानिस्तान को समुद्र तक जाना है, ये देखिए समुद्र तक जाना है बेटा, ये पूरा पाकिस्तान है, कराची वगैरह जो है, तो अफगानिस्तान या तो पाकिस्तान से होकर के जाए या तो फिर ईरान से होकर के जाए समुद्र में। ध्यान दीजिए, अगर हम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बारे में अगर हम अफगानिस्तान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का अवलोकन करें तो जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान की अगर हम समाज की बात करें, जैसे अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी है ना। अफगानिस्तान के अंदर जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान की अगर हम समाज की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान की अगर हम समाज की बात करें बेटा, तो अफगानिस्तान के समाज में भी, अफगानिस्तान की सामाजिक स्थिति या समाज में ही बेटा जी चार प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। नंबर एक ताजिक, नंबर दो हजारा, नंबर तीन उज्बेक, उज्बेक, और नंबर चार आप कह सकते हैं एक जनजाति और बता देते हैं, पश्तून। पश्तून, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, कि सभी बच्चे ध्यान दें, कहने का मतलब क्या है, अगर हम अफगानिस्तान की सामाजिक स्थिति का अवलोकन करते हैं, अगर हम अफगानिस्तान की सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करें, तो आप ये ध्यान रखिए जो अफगानिस्तान की सामाजिक स्थिति है, अफगानिस्तान का जो समाज है एक तरीके से कबीलाई समाज, एक तरीके से कबीलाई समाज, जहां पर मुख्य रूप से चार प्रकार की जनजातियों का निवास स्थल माना जाता है इस अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में मुख्य रूप से चार प्रकार की जनजातियां हैं, जिसमें एक पश्तून, दूसरा ताजिक, नंबर तीन हजारा और नंबर चार उज्बेक। प्रश्न ये आ गया, तालिबान कहां गया? ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या है, अफगानिस्तान के समाज को अगर आप ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझाने का प्रयत्न किया जाए, तो जो पश्तून जाति है अफगानिस्तान में, लगभग 40% जनसंख्या, कुल जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा पश्तून जनजातियों का है जो अफगानिस्तान में निवास करती है। और जो पश्तून जनजाति है, यही पश्तून जनजाति तालिबान के नाम से जानी जाती है। तालिबान के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? पश्तून जनजाति को ही तालिबान के रूप में जाना जाता है, तालिबान के रूप में बताया गया है या तालिबान है। ध्यान रखिए, अगर 100 व्यक्ति हैं अफगानिस्तान में, तो उसमें से 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो पश्तूनी हैं, पश्तूनी हैं, और पश्तूनियों को ही हम क्या कहते हैं? तालिबान कहते हैं। ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान के अगर समाज की बात करते हैं, तो समाज में चार प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, नंबर एक उज्बेक, हजारा, ताजिक और पश्तून। पश्तून को ही संज्ञा दी जाती है तालिबानियों की। कुल जनसंख्या का अगर हम बात करते हैं, कुल जनसंख्या अफगानिस्तान की जितनी भी है, अफगानिस्तान के अंदर जितना भी व्यक्ति है, उनमें से 40% जनसंख्या पश्तून लोगों की है जो अफगानिस्तान में रहती है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति का कारण क्या है, जरा ध्यान रखिए, अफगानिस्तान एक पिछड़ा देश है। अफगानिस्तान बेटा जी दुनिया के गरीब देशों में से एक देश है अफगानिस्तान। बात यह है, फिर यहां पे खाना क्या खाया जाता है, आर्थिक स्थिति ध्यान रखिए, यह पठारी क्षेत्र भी है, पठारी क्षेत्र भी है, गरीब देश है, विकासशील देश है,
इसके साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या है? इसकी अर्थव्यवस्था का बेटा जी जो स्रोत है वो एक तरीके से थोड़ा सा कृषि, लेकिन पठारी क्षेत्र है, कृषि उतनी संभव हो नहीं पाती, लेकिन कृषि है। और इसके साथ साथ बेटा जी यहां पर अफीम की कृषि की जाती है। अफीम, अफीम का, अफीम समझते होंगे, अफीम ठीक है, मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ अफीम कहा जाता है, हीरोइन अफीम वगैरह। तो अफीम की खेती पर भले ही प्रतिबंध है, लेकिन वो नाम मात्र का प्रतिबंध है। कृषि है, नाम मात्र की ही है। गरीब देश है, विकासशील देश है, पिछड़ा हुआ देश है। इसके साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था जो चलती है बेटा जी, वो अफीम या एक तरीके से कृषि के आधार पर थोड़ा सा रहता है। ड्राई फ्रूट्स भी पाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे जिसे कहते हैं, कहाँ, काजू बादाम एक्सेट्रा, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके साथ साथ राजनीति की बात करते हैं अफगानिस्तान की। अगर हम राजनीति को थोड़ा सा देख लें तो जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान की जो राजनीति है, अफगानिस्तान की राजनीति भले ही आज आप कह दें कि संसद का निर्माण भारत की सहायता से हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान की जो राजनीति है बेटा जी, वो कबीलाई समाज की रही है। कबीलाई समाज की रही है। अब जो कबीलाई समाज है, कबीलाई समाज, जैसे हमारे यहाँ जो निर्णय होता है, अगर कोई विवाद हो जाता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल इत्यादि में जाता है। अफगानिस्तान के अंदर जो समाज है कबीलाई है, राजनीति कबीलाई है, कबीलाई समाज है, और कबीलाई समाज के अंदर जरा ध्यान रखें, कबीलाइयों का समाज है, और कबीलाइयों के समाज में अगर कोई विवाद हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई मतभेद हो जाए, या किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए, तो दूर कौन करता था? लोया जिरगा। कबीलाई समाज के अंदर जो कबीलाइयों की संसद, ऐसे कह सकते हैं, कबीलाइयों की जो संसद थी बेटा जी, लोया जिरगा का नाम है इसका। क्या नाम है बच्चा? लोया जिरगा। लोया जिरगा बच्चे क्या थी? कबीलाइयों की महासंसद का नाम लोया जिरगा के नाम से जाना जाता है, कि लोया जिरगा के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब जरा ध्यान दीजिए, शुरू से मैं थोड़ा सा दो चार लाइनें बोलना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। अफगानिस्तान और भारत की टेरिटरी 1947 से पहले मिलती थी। 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया, तो जो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, अब वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बन गई। अफगानिस्तान ने कहा, पाकिस्तान भाई देखो, इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा को फिर से बदल लेते हैं, क्योंकि ये रेखा तुम्हारे और हमारे बीच में थी ही नहीं, ये तो रेखा भारत और मेरे मध्य में थी। हाँ, अरे बिल्कुल बदला जा सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहने मतलब क्या था, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान चाहता था, तो अफगानिस्तान ने कहा कि दे दीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने बेटा जी मना कर दिया। और जब पाकिस्तान ने मना कर दिया, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य कहीं ना कहीं डिबेट शुरू हो गए। अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान को देश की मान्यता भी नहीं दी शुरू में। अब बात हम ये करते हैं कि अफगानिस्तान का समाज कबीलाई समाज, अफगानिस्तान के मूल निवासी की अगर हम बात करते हैं, पश्तून है, ताजिक है, हजारा है, उज्बेक है। पश्तूनियों की अगर हम बात करते हैं, तो पश्तूनियों की संख्या कुल जनसंख्या लगभग 40-42% आती है। पश्तूनियों को ही हम तालिबान के रूप में जानते हैं। कबीलाई समाज का जो संसद थी, उसी का नाम लोया जिरगा था। उसी के द्वारा देश में सारे निर्णय लिए जाते थे। समाज पिछड़ा हुआ, विकासशील, गरीब देश, कृषि, अफीम और ड्राई फ्रूट्स नाम मात्र के लिए। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में अगर हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान का समाज कबीलाई था, चार प्रकार की जनजातियां पाई जाती थी, पिछड़ा था, पठारी था। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में आने वाला एक देश था। इसके साथ साथ एक भूमि आबद्ध देश, कौन? अफगानिस्तान की एक भूमि आबद्ध देश। भूमि आबद्ध देश अर्थात कोई भी इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। अगर व्यापार करना है तो या तो पाकिस्तान को खुश रखे या तो ईरान को खुश रखे, कौन?
अफगानिस्तान। आगे जरा थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो बच्चा क्या था कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान और अगर हम भारत की बात करते हैं कि अफगानिस्तान और भारत जो है बेटा जी, ध्यान दीजिए, दोनों दक्षिण एशिया में भी आते हैं, दोनों पड़ोसी भी हैं, दोनों दक्षिण एशिया में आते हैं, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों दक्षिण एशिया में भी आते हैं, पड़ोसी हैं, दोनों विकासशील देश भी हैं। विकासशील देश हैं कि नहीं है? कौन? अफगानिस्तान और भारत, दोनों विकासशील देश। इसके साथ साथ बच्चे क्या था, दोनों देश बोले तो अफगानिस्तान और भारत, दोनों देश अगर हम बात करते हैं, भारत और अफगानिस्तान की यदि हम बात करें तो जो दोनों देश हैं बेटा जी, गुट निरपेक्षता के भी देश थे, गुट निरपेक्षता के देश थे अफगानिस्तान और भारत। भारत और अफगानिस्तान बेटा जी गुट निरपेक्षता के देश, भारत और अफगानिस्तान बेटा दोनों पड़ोसी थे, भारत और अफगानिस्तान दोनों दक्षिण एशिया के देश थे, भारत और अफगानिस्तान दोनों विकासशील देश थे, दोनों के मध्य बच्चे अच्छे संबंध थे। बोले तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य में, भारत आजाद हुआ 47, तो कहने मतलब क्या था बच्चे, वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 1978 तक दोनों देशों के जो संबंध थे लल्ला, वो बहुत ही मधुर थे। किसके संबंध? भारत और अफगानिस्तान के संबंध, दोनों देशों के संबंध मधुर थे। कारण क्या था? पड़ोसी थे नंबर एक, दोनों दक्षिण एशिया के देश थे नंबर दो, दोनों विकासशील देश थे नंबर तीन, नंबर चार दोनों ही देश गुट निरपेक्षता के अंतर्गत आते थे। हाँ, गुट निरपेक्षता चैप्टर आएगा, हम बताएंगे। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या था? 1961 में बिलग्रेड में नेहरू, नासिर और टीटो की अध्यक्षता में एक तीसरी दुनिया का निर्माण किया गया था, जो अमेरिका और सोवियत संघ के, अमेरिका और सोवियत संघ से हट करके जो शीत युद्ध के दौरान बनी थी, उसी को हम गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। समय आएगा हम बता देंगे आईआर की क्लास में, ठीक है, स्टार्टिंग से, ठीक है लल्ला। अब जरा ध्यान दीजिए, भारत, लल्ला बोर्ड पर देखो, भारत और अफगानिस्तान दोनों पड़ोसी थे, दोनों दक्षिण एशिया के देश थे, दोनों विकासशील देश थे, दोनों गुट निरपेक्षता के देश थे, किंतु दोनों देशों के मध्य जो मित्रता थी वो बहुत ही अच्छी थी वर्ष 1947 से लेकर के वर्ष 1978 तक। बहुत मधुर संबंध थे, लेकिन कई बार क्या होता है, ज्यादा मीठा भी नुकसान करने लग जाता है। वही हालत हुई भारत और अफगानिस्तान के मध्य में, अच्छे रिलेशन 47 से लेकर के 78 तक बनते हुए चले आए। भारत और अफगानिस्तान का जो संबंध था वर्ष 1947 से लेकर के वर्ष 1978 तक, जैसे जय और वीरू की जोड़ी, कि जैसे जय और वीरू की जोड़ी, बहुत बढ़िया संबंध 78 तक। लेकिन इसके अगले ही वर्ष कुछ ऐसी घटना हो गई जिसने जय और वीरू की जोड़ी को तोड़ दिया, भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन में कड़वाहट पैदा कर दी। अगला पन्ना, ध्यान दीजिए, 1947 से लेकर के वर्ष 1978 तक दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध थे, लेकिन 78 के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के जो संबंध अच्छे थे, अब उनमें कटुतापूर्ण संबंधों की शुरुआत हो गई। होता क्या है बच्चा, वर्ष नेक्स्ट, अगले वर्ष, कौन सा वर्ष है अगला? 2022 है अगला साल। अच्छा, इसका बता रहे हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 1979 बच्चा क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, 1979 में क्या होता है, इसका अगला चैप्टर, अब तो हो जाएगा ना सर? हाँ, वेरी गुड। ध्यान दीजिए 1979, अब फिर से इसको छुआओ भाई, इतनी जो ये गड़बड़ियां हो रही है ना, इतनी बार तो हम किताब नहीं खोलते समझाने के लिए जितनी बार इसको समझना पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, भारत और अफगानिस्तान के मध्य में 1979 बेटा जी विवाद शुरू हो जाता है, कि 1979 में
विवाद शुरू हो जाता है और 1979 में दोनों देशों के मध्य विवाद कैसे शुरू हुआ 1979 में। 1947 से लेकर 78 तक अच्छे संबंध थे, बेहतर संबंध थे, दोनों के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन 79 में ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण दोनों देशों के मध्य में विवाद शुरू हो गया। 1979 बच्चा क्या होता है विवाद का कारण, 1979 बच्चा होता क्या है, जरा ध्यान दीजिए, यूएसएसआर, जो यूएसएसआर होता है बेटा जी, वो 1979 में बेटा जी अफगानिस्तान के ऊपर लल्ला आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है बेटा जी, आक्रमण कर देता है। यूएसएसआर की सेना 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देती है और जरा ध्यान रखिए, यूएसएसआर ने जब 1979 में किया उस समय चल रहा था बेटा जी शीत युद्ध। क्या चल रहा था बेटा जी, शीत युद्ध। शीत युद्ध बेटा जी वर्ष 1945 से लेकर के वर्ष 1990 तक चल रहा था और 1945 में बेटा जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, कहने का मतलब क्या था, दूसरा विश्व युद्ध, अब ऑनलाइन में जो बैठा हुआ है उसको तो ऐसे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को एक बार केवल समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद बेटा जी 1945 से 90 तक बेटा जी शीत युद्ध चला। शीत युद्ध में बच्चा क्या था, एक तरफ बेटा जी सोवियत संघ था और एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ अमेरिका था दूसरी तरफ सोवियत संघ था। अब जरा ध्यान दीजिए, मतलब लड़ाई तो सोवियत संघ की अमेरिका के साथ है, तो इस अफगानिस्तान ने क्या कर दिया, प्रश्न पहला यहीं पर आ जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर ने 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर बच्चा आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था। अब शीत युद्ध से इसका अफगानिस्तान का और यूएसएसआर का लेना क्या था, अमेरिका का मित्र 1954 में बन गया था पाकिस्तान। कौन बन गया था बच्चा, पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो टेरिटरी थी वो लगती थी अफगानिस्तान से। पाकिस्तान की जो बेटा जी टेरिटरी है, सीमा है, वो किससे लगती थी, अफगानिस्तान से। कहने का मतलब क्या था बच्चे, कहने का मतलब क्या था, शीत युद्ध जो 45 से 90 के दौर में चल रहा था, शीत युद्ध एक तरफ यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियटी रिपब्लिकन, साम्यवादी विचारधारा, दूसरी तरफ बेटा जी अमेरिका, पूंजीवादी विचारधारा। कहने का मतलब क्या था, शीत युद्ध इन दोनों के मध्य चल रहा था। अब अमेरिका का प्रभाव पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान की बाउंड्री अफगानिस्तान से लगी हुई थी, तो अमेरिका का प्रभाव पाकिस्तान में पड़ रहा था और पाकिस्तान का प्रभाव अफगानिस्तान में धीरे धीरे पड़ने लगा था। और अफगानिस्तान बेटा जी, कुछ समय पहले अभी हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया का भाग था, और पश्चिम एशिया की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम एशिया के बहुत सारे देश ऐसे भी थे, मतलब आप मान सकते हैं कि जैसे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो सारी कंट्रियां थी ये यूएसएसआर के साथ थी। तो यूएसएसआर के साथ बेटा जैसे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये थी, और इन्हीं की टेरिटरी किससे लगी हुई थी, अफगानिस्तान पर, और अफगानिस्तान की टेरिटरी किससे लगी हुई थी, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में किसका प्रभाव बढ़ रहा था, अमेरिका का। तो कहने मतलब अमेरिका का प्रभाव पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मतलब सोवियत संघ के जितने भी देश थे उनके ऊपर पड़ रहा था। किसका प्रभाव, हाँ, किसके माध्यम से, इसीलिए सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और यूएसएसआर की सेनाएं 1979 से लेकर के 90 तक यूएसएसआर की जो बेटा जी सेनाएं थी, जरा ध्यान दीजिए, 1979 से लेकर के 90 तक लल्ला क्या था कि जो यूएसएसआर की लल्ला सेनाएं थी वो अफगानिस्तान में थी। 79 से लेकर के 90 तक, 79 से लेकर के 90 तक यूएसएसआर की सेना अफगानिस्तान में थी। कहां पर थी बच्चा, अफगानिस्तान में। 79 में आक्रमण किसने किया, यूएसएसआर ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। क्यों किया, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध में दोनों के बीच में वैचारिक युद्ध चल रहा था।
अमेरिका का प्रभाव पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान में बढ़ने लगा था, जिसके कारण सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के ऊपर अपनी सेना कंट्रोल कर दी कि अब इसके आगे पाकिस्तान या अमेरिका का प्रभाव ना बढ़ सके, कि दोनों का प्रभाव आगे ना बढ़ सके। अब अच्छा होता क्या है, 1979 से लेकर के 90 तक सोवियत संघ की सेनाएं कहां पर थी, अफगानिस्तान में थी, कि सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में थी। बात यह आ रही कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य फिर विवाद कैसे हो गया। विवाद यह हो गया बच्चे कि जब सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में चली गई, तब किसने आक्रमण किया था, किसके ऊपर किया था, कौन से वर्ष में किया था? हां, अब जरा ध्यान दीजिए, अब यह मुद्दा चला गया बेटा जी यूएनओ में। कहां चला गया लल्ला? यूएनओ में चला गया, यूएनओ में चला गया। और यूएनओ में पूछा गया, भारत ये बताओ सोवियत संघ ने तुम्हारे पड़ोसी पर आक्रमण किया कि नहीं? भारत ने कहा हमने देखा ही नहीं। अफगानिस्तान का, ओ माय गॉड, तू तो मेरा पड़ोसी है और तू झूठ बोल रहा है। कहा भाई आवश्यकता आज आन पड़ी है कि झूठ बोलना पड़ रहा है। मतलब यूएनओ के अंदर भारत ने अफगानिस्तान का साथ नहीं दिया, अपितु भारत ने यूएनओ के अंदर यूएसएसआर का साथ दिया। अफगान आप ही हैं, अगर आपका कोई मित्र आपका साथ ना दे और वो किसी दूसरे का साथ दे तो आपका दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक ऐसे ही 1979 के अंदर बच्चा क्या हुआ, 1979 में जब यूएसएसआर की सेनाओं ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो ये आक्रमण का मुद्दा यूएनओ में गया और यूएनओ में भारत ने हाथ खड़े कर दिए। अर्थात यूएनओ में भारत ने क्या किया, यूएसएसआर का साथ दे दिया, अफगानिस्तान का साथ नहीं दिया। कौन से वर्ष में? 1979 में। और जब साथ नहीं दिया तो फिर से वहीं से अब जय वीरू की जोड़ी टूट करके सांप और नेवले की जोड़ी बन गई। मतलब क्या था, अब भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन खराब, खत्म हो गए एक तरीके से। और 1979 से लेकर के वर्ष 1990 तक किसकी सेना कहां पर थी, यूएसएसआर की सेना अफगानिस्तान में रही। कब तक रही बच्चा, वर्ष 1990 तक। 90 तक क्यों रही, क्योंकि शीत युद्ध बेटा जी 90 में खत्म हो जाता है।